देखिए विधायकों के साथ बातचीत हुई है, सब लोग एकमुश्त पार्टी के स्टैंड के साथ हैं, अभी राज्यसभा के चुनाव भी होने, उस संबंध में हमने बातचीत की। बस आज मुझे इतना ही कहना है, ओनली वन इशू। उतर गए हैं उत्तर प्रदेश में, अब लगता है कि चुनाव होगा वहाँ पर, आरएलडी अपना वोट जो है वो किस तरफ देगी? आरएलडी का प्रत्येक विधायक पार्टी के स्टैंड के साथ है, इतना ही मैं कहूँगा। मैं अभी उसको नहीं देख पाया हूँ, मैं अभी लोगों के बीच था। 27 फरवरी को मतदान होना है। देखिए आप इधर से पूछो, घुमा के पूछो, दिल्ली में कई गोल चक्कर होते हैं, अभी गोल चक्कर में आप घूमिए। आरएलडी किसानों की पार्टी है, आज किसानों की सरकार के साथ बैठक भी, आपको लगता है कि समन्वय बन पाएगा, बातचीत से हल निकल जाएगा? दुनिया की कोई समस्या नहीं है जिसका हल बातचीत से ना निकले। थैंक यू सर। पिछले बार आंदोलन के साथ मौजूद थे, आपने समर्थन भी किया था, इस बार क्या आपका स्टैंड है? वही स्टैंड है कि हल निकलना चाहिए। थैंक यू। गलत कदम है जैन चौधरी का? नहीं, कदम भाई कदम तो सही था, पर यू जो यू पंजाब वाला मामला होगा, इसमें अगर उसमें इसके जैन चौधरी की ये भारतीय जनता पार्टी वाले मानने, तो इस फैसले को करवावे भाई, और इस फैसले को करवावे जी, आगे काम चलेगा। यानी जो नई कुछ बात है तो अपना हाथ काट लो, बनते ये फायदे की जगह नुकसान ज़्यादा हो जाएगा उन्हें। अच्छा, जैन चौधरी किसानों की राजनीति करता है, क्या इसमें कुछ अभी तक जैन चौधरी का क्या स्टैंड? अरे भाई बढ़िया ही है, ठीक है, उन्हें तजर्बा इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी उम्र का भी वो है, और तजर्बा कम से तजर्बा भी होता रहेगा, ठीक है। किसान परिवार थे, चौधरी चरण सिंह जी के पोते है, और भाई किसान का तो उन पे, किसान परिवार की तो निगाह है उन पे, ठीक रहे, हमें ठीक ठाक रहे, ठीक उनका सम्मान रहे। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।